हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम डिस्कस कर रहे हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम बुक की समरी को। इस कोर्स को तैयार किया गया मेरे द्वारा। मेरा नाम है सुनील कुमार सिंह। कई चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज़, फिर इंडिया ऑन द ईव ऑफ यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट, यानी कि भारत को जब जीता तब यूरोपियंस ने, तब यहाँ की स्थिति कैसी थी। हमने 1857 के रिवोल्ट को डिस्कस कर लिया। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को हमने हाफ कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आधा बचा हुआ है, आज हम लोग हाफ कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले हमने 1857 के पहले इंडिया में जो रिवोल्ट हुए थे, पीजेंट रिवोल्ट, सिविल रिबेलियन, ट्राइबल रिवोल्ट, इनको भी कंप्लीट कर लिया। तो कई टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के जो आधा चैप्टर बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द 1857 के बाद जो रिवोल्ट हो रहे थे इंडिया में, पीजेंट रिवोल्ट, ट्राइबल रिवोल्ट, उनको डिस्कस करेंगे। चलो तो चलते हैं आगे और टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट सेशन में जैसा मैंने आपको बताया था कि हमने सोशियोलॉजिस्ट रिफॉर्म मूवमेंट में आधा कंप्लीट कर लिया था, आधा बचा हुआ था, तो उसको आज देखते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बने थे रिफॉर्म मूवमेंट के दौरान, जो इंस्टीट्यूशन बने थे, पर्सनालिटीज़ जो थी, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और ये जो सेक्शन है वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय की और उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी ब्रह्म समाज, उसके बारे में। राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहते हैं, भारत में पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। एक रेनेसा पुनर्जागरण यूरोप में हुआ था जब ऑटोमन एम्पायर ने कैप्चर कर लिया था किसको, ईस्टर्न रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को। ठीक, तो हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय को इंडिया में रेनेसा का फादर कहा जाता है। इन्होंने ब्रह्म समाज की फाउंडेशन रखी थी 1828 में। इसके पहले भी इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी थी, जैसे कि आप देखोगे आत्मी सभा एटसेट्रा। राजा राम मोहन राय साइंटिफिक टेम्पर में बिलीव करते थे, वो ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वलिटी में भरोसा रखते थे। इनका भरोसा मोनोथिज्म में था, यानी एकेश्वरवाद में ये विश्वास रखते थे। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, यानी एकेश्वरवादियों को उपहार नाम की एक बुक इन्होंने लिखी थी। इस तरीके से इन्होंने वेदास को क्या किया था, वेदों को ट्रांसलेट किया था बंगाली में। इस तरीके से उन्होंने पांच उपनिषदों का भी क्या किया था, ट्रांसलेशन किया था। तो आप देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे कल्चरल नॉलेज को क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं अपने पास। ये चीज़ आप याद रखना। इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने ब्रह्म समाज के पहले ही आत्मी सभा नाम की ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रख दी थी 1814 में, 1814 में, कहाँ पर, कलकत्ता में। और ये आत्मी सभा की जो फाउंडेशन रखी थी उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, वो आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। साथ साथ जो जाति प्रथाएं थी, कास्ट की जो रिजिडनेस थी, कठोरता थी, उसके अगेंस्ट भी ये आंदोलन चलाते थे, इसका भी वो विरोध करते थे। और इन सबका विरोध करने के पीछे उनका जो तार्किक सोच था वही बेसिक रीजन था। इस तरीके से उन्होंने ये कहा कि जो वेद हैं उनको भी किस तरह से इंटरप्रेट किया जाना चाहिए, रीजन के बेस पर, तर्क के आधार पर उसका भी इंटरप्रिटेशन, व्याख्या किया जाना चाहिए, उसको भी ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए। वेद में जो बातें लिखी गई हैं हम उसका क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे रीजन के, तर्क के आधार पर। और जिस सीमा तक, जिस एक्सटेंड तक वो सपोर्ट करेंगे उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे वेद के बातों को भी। इस तरीके से उन्होंने प्रिसिप्ट ऑफ जीसस लिखा था एक बुक। तो ये कुछ किताबें आपको याद होनी चाहिए जो उनके द्वारा लिखी गई थी, जो मैगजीन उनके द्वारा निकाली गई थी, जो ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, जैसे आत्मी सभा इनकी पहली संस्था थी जो इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। इस तरीके से जो मैंने आपको बताया कि गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, ये आपको पता होना चाहिए। वेदा का इन्होंने ट्रांसलेशन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। वो हमेशा से कोशिश क्या कर रहे थे कि मासेस को क्या किया जाए, अवेयर किया जाए, उनके अंदर चेतना लाई जाए, रेशनल थिंकिंग लाई जाए और सोसाइटी में जो इविल्स हैं उसको दूर किया जाए। उनके इसी एफर्ट के थ्रू 1829 में क्या किया गया था, सती नाम की जो एक प्रैक्टिस थी उसके अगेंस्ट इन्होंने कानून बनवाया था। विलियम बेंटिंग उस समय गवर्नर थे और उन्हीं के एफर्ट से, राजा राम मोहन राय के एफर्ट से
1829 में ये एक्ट पास किया गया था। इसी तरीके से राजा राममोहन राय पॉलीगैमी बहुविवाह पर अटैक कर रहे थे। वो महिलाओं का कहते थे उनको जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का राइट है, जो संपत्ति का अधिकार है, पैतृक संपत्ति, उसमें उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए थे। इस तरह की डिमांड वो रख रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने डेविड हेयर का क्या किया था, सपोर्ट किया था, और डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के एफर्ट से एक हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी गई थी 1817 में। हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी गई थी 1817 में। 1817 में डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के एफर्ट से हिंदू कॉलेज की फाउंडेशन रखी गई थी। इस तरीके से 1825 में उन्होंने वेदांता कॉलेज की फाउंडेशन रखी थी। और वेदांता कॉलेज क्या था, एक इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न कल्चर दोनों का क्या था, एसिमिलेशन था। यहाँ पे दोनों तरह के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, यानी इंडियन कल्चर को भी पढ़ाया जाता था और साइंटिफिक नॉलेज जो था यूरोप का वो भी दिया जाता था। उन्होंने बंगाली के एक ग्रामर बुक को कंपाइल किया था। उन्होंने माना जाता था कि उन्होंने एक मॉडर्न प्रोज स्टाइल को डेवलप किया था जिस तरह से वो लिखते थे। तो बहुत सारे आप देख सकते हो लिटरेरी वर्क वो कर रहे हैं। माना जाता है कि उनको एक दर्जन से ज़्यादा, डोजन लैंग्वेज, एक दर्जन लैंग्वेज उनको आती थी, जिसमें संस्कृत भी उनको आती थी, पर्शियन भी आती थी, अरबिक भी आती थी, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक, हिब्रू। हिब्रू कहाँ बोली जाती है, इसराइल में बोली जाती है। तो इनको कई सारे लैंग्वेजेस का नॉलेज था। इस तरीके से उन्होंने क्या क्या था, कंडेम किया था, विरोध जताया था जो बंगाल के जमींदार थे जो किसानों पर एट्रोसिटी करते थे, उसका इन्होंने विरोध किया था। जो मैक्सिमम रेंट लेते थे उसका विरोध किया था। इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। राजा राम मोहन राय का जो विजन था वो इंटरनेशनल था। वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, इन सब का सपोर्ट करते थे, उससे काफ़ी इंस्पायर थे। उन्होंने नेपल्स में जब क्रांति हुई थी, स्पेन में जब क्रांति हुई थी, तो उसका समर्थन किया था। स्पेन में जब अमेरिका के द्वारा ऑपरेशन किया गया था, वो उन्होंने क्या किया था, सॉरी, जब आयरलैंड में मूवमेंट को सप्रेस किया जा रहा था, उसका इन्होंने विरोध किया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखने की ज़रूरत है। और जब ब्रह्म समाज की उन्होंने फाउंडेशन रखी 1828 में, तो उसी के थ्रू वो आइडल वर्शिप का विरोध कर रहे हैं, रिचुअल्स का विरोध कर रहे हैं, हिंदुज्म को प्यूरिफाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो प्यूरिफिकेशन किससे है, आइडल वर्शिप से है, रिचुअल से है। वो मोनोथिज्म का क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। उनके सारे आइडियाज़ केवल दो पिलर पर क्या थे, डिपेंडेंट थे। एक था रीजन, तर्क, दूसरा वेद और उपनिषद। लेकिन ये वेद उपनिषद को भी क्या कहते थे, ब्लाइंड फेथ की बात नहीं करते थे, कहते थे इसका तार्किक विवेचन करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे रीजन के बेसिस पर, फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। इनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था कि ये कोई नया रिलीजन एस्टेब्लिश करे, वो केवल हिंदुज्म को प्यूरिफाई करना चाहते थे, ईविल्स को दूर करना चाहते थे इस रिलीजन से। इनके जो प्रोग्रेसिव आइडियाज थे, हम देखते हैं कि इसका विरोध भी हुआ, खास करके जो ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट था, राधाकांत देव, इन्होंने विरोध किया था। और ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के आइडियाज़ को विरोध करने के लिए राजा राधाकांत देव ने क्या किया था, एक धर्म सभा नाम की ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन भी रखी थी। हेलो जिज्ञासा, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, कि राधाकांत देव ने एक ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी थी, क्या, राजा राम मोहन राय के आइडियाज़, ब्रह्म समाज के आइडियाज़ का विरोध करने के लिए। लेकिन राजा राम मोहन राय जब तक जिंदा थे, जब तक उनकी लाइफ थी, तब तक वो अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करते रहे, रिचुअल्स जो थे, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस, उसका विरोध करते रहे। उनकी डेथ के बाद हम देखते हैं कि जो ब्रह्म समाज का जो मिशन था वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। ये आगे चल के जो सक्सेसर होते हैं वो उसके विजन को, उनके विजन को आगे नहीं ले जा पाते हैं। केशव चंद्र सेन को बनाया गया था हेड ब्रह्म समाज का, देवेंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। केशव चंद्र सेन ने क्या किया था कि इसको एक तो बंगाल के बाहर स्प्रेड किया, ये अच्छी बात थी कि यूनाइटेड प्रोविंस पंजाब बॉम्बे में इसके ब्रांचेस वो ला रहे हैं, तो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन केशव चंद्र सेन क्या थे, अपने आइडियाज़ में काफ़ी रेडिकल थे, वो बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे थे। उन नई चीज़ों का समर्थन देवेंद्रनाथ टैगोर जो है वो नहीं कर रहे थे। जैसे ब्रह्म समाज में केवल वेदाज की चैंटिंग की जाती थी, लेकिन जब केशव चंद्र सेन जब वहाँ पे फाउंडर बन रहे हैं, तो आप देखोगे कि उसमें दूसरे रिलीजन
के टेक्स्ट का भी इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, उसकी चैंटिंग भी की जा रही है, उसके बारे में भी बात की जा रही है। तो इस तरह की इंक्लूजन का देवेंद्रनाथ टैगोर समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन केशव चंद्र सेन चाहते थे कि इस तरीके का उसको कॉस्मोपॉलिटियन कैरेक्टर दिया जाए। बाद में देखते हैं कि केशव चंद्र सेन को निकाल दिया जाता है, या कह सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोअर्स ने क्या किया, भारतीय ब्रह्म समाज की फाउंडेशन रखी, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की फाउंडेशन रखी 1866 में। और देवेंद्रनाथ टैगोर यानी कि जो राजा राम मोहन राय वाली ब्रह्म समाज थी, वो आदि ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई। तो आप कह सकते हो कि क्या हो गया, बाइफर्केशन हो गया, डिवीजन हो गया ब्रह्म समाज में। केशव चंद्र सेन ने एक नई ब्रह्म समाज, जिसे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, भारतीय ब्रह्म समाज कहते हैं, उसकी फाउंडेशन रख दी थी अपने रेडिकल आइडियाज़ को लेकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के कारण। आगे चल के केशव चंद्र सेन क्या करते हैं, अपने छोटी सी बच्ची 13 साल की जो उनकी बेटी होती है, उसकी शादी उन्होंने क्या कर दी थी, कूच बिहार के राजा से कर दिया था। यानी कि उन्होंने क्या कर दिया था, चाइल्ड मैरिज कर दिया था, और ब्रह्म समाज चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट था। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि केशव चंद्र सेन क्या थे, एक हिपोक्रेट की तरह उन्होंने क्या किया, बिहेव किया, कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, चाइल्ड मैरिज का विरोध कर रही है, वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद जब अपनी बेटी की बात आई तो उन्होंने एक छोटे से लड़के के साथ शादी कर दी। और इसे जो उनकी आदि ब्रह्म समाज थी उसमें भी क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, बंटवारा हो गया, और केशव चंद्र सेन ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रख दी, साधारण ब्रह्म समाज। और जब केशव चंद्र सेन से पूछा गया कि भाई आपने अपनी बेटी की शादी चाइल्ड मैरिज क्यों कर दी, तो उनका सीधा सा जवाब था कि भैया हमको गॉड ने आदेश दिया है, भगवान ने आदेश दिया है, गॉड हमारे सपने में आए थे, उन्होंने बोला था कुछ बिहार के राजा के साथ शादी कर, तो हमने कर दिया। तो इस तरह का लॉजिक उन्होंने दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन हो जाता है और उन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की फाउंडेशन रखी थी। अब राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज के अगर विचारों को अगर आप देखोगे, कंट्रीब्यूशन को देखोगे, तो उन्होंने पॉलीथिज्म बहुदेववाद का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, उन्होंने जो इनकारनेशन की थीरी थी उसमें भरोसा नहीं किया था, बोला था अवतारवाद जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। उन्होंने डिनाई किया कि कोई भी स्क्रिप्चर, कोई भी किताब वो अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है, उसको अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता है अगर वो ह्यूमन रीजन और कॉन्शसनेस के अगेंस्ट जाता है, यानी मानव के तर्क के अगर विरुद्ध जाता है तो उसको हम अंतिम अथॉरिटी नहीं मान सकते हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आप ये भी देखो कि राजा राम मोहन राय का जो इंडिविजुअल नेचर कैरेक्टर था, उन्होंने कोई बहुत कंक्रीट स्टैंड नहीं लिया किस पे, कर्मा की थीरी को लेकर, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को लेकर, कि ट्रांसमाइग्रेशन होता है या नहीं होता है, कर्मा का रिजल्ट क्या निकलता है, इसके बारे में उन्होंने कोई डिफिनेट स्टैंड नहीं लिया था। उनका कहना था कि इंडिविजुअल जो है वो चाहे तो जिसको फॉलो कर सकते हैं कर सकते हैं। उन्होंने कास्ट सिस्टम को क्या किया था, क्लियरली क्रिटिसाइज किया था। तो ये कुछ बातें थी ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। सीधे सीधे यहीं से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, दे देगा 4 स्टेटमेंट, पूछेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ब्रह्म समाज या नॉट रिलेटेड टू राजा राम मोहन राय आइडियोलॉजी। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज। हम देखते हैं कि केशव चंद्र सेन ने मदद किया था प्रार्थना समाज की फाउंडेशन में 1863 में। ब्रह्म समाज का आइडिया जब महाराष्ट्र में स्प्रेड हो रहा है, तो हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज की फाउंडेशन 1849 में क्या की गई थी, रखी गई थी। यहाँ पर भी प्रार्थना समाज के थ्रू भी मोनोथिज्म को, एकेश्वरवाद को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। और ये जो प्रार्थना समाज था, इसने एजुकेशन पे विश्वास जताया कि हम लोगों को एडुकेट करेंगे, हम उनको क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे, उनका परसुएशन करेंगे, रेदर देन की जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनसे हम कन्फ्रंट्रेशन करेंगे, कि हम लड़ाई झगड़ा करके सोसाइटी में सुधार नहीं करेंगे, हम लोगों को एडुकेट करेंगे, उनको समझाएंगे, बुझाएंगे, और धीरे धीरे सोसाइटी में क्या हो जाएगा, ईविल्स ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कन्फ्रंट्रेशन की बजाय दूसरा पीसफुल वाला रास्ता, तरीका अपनाया था। इनका जो प्रार्थना समाज था, इसमें 4 पॉइंट आपको एजेंडा देखने को मिलेगा, कि इन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया, इन्होंने भी वेमेन के एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा की बात की, विडो के रिमैरिज पे बहुत जोर देते थे। इनका कहना था कि मेल और फीमेल दोनों के एज बढ़ाए जाने चाहिए मैरिजेस के, शादी के,
ये प्रार्थना समाज के कुछ बेसिक फीचर थे। और इनके जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, गोविंद रानाडे, भंडानकर, ये नाम आपको याद होने चाहिए। तो एम जी रानाडे एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे जो प्रार्थना समाज से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट, जिसको लीड कौन कर रहे थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। आप देखते हो कि इंडिया में 1820s-30s के बीच में एक रेडिकल इंटेलेक्चुअल यूथ मूवमेंट स्टार्ट होता है बंगाल में, जिसे यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं। तो यंग का मतलब ये कि यूथ के द्वारा इसको लीड किया जा रहा था। और एक यूथ थे यंग एंग्लो इंडियन, हेनरी विवियन डोरेजियो, जो कि हिंदू कॉलेज में क्या करते थे, पढ़ाते थे, टीचर थे, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था। ये जो हेनरी विवियन डोरेजियो थे, ये फ्रेंच रिवोल्यूशन से काफ़ी इंस्पायर थे। और इनका कहना था कि आपको फ्री सोच का होना चाहिए, रेशनल तरीके से सोचिए, फ्री तरीके से सोचिए, उस पर किसी तरह का रोक टोक नहीं होना चाहिए। आप क्वेश्चन करिए सब तरफ की अथॉरिटी को, सारी तरह के सत्ता को चुनौती दीजिए, उनसे क्वेश्चन करिए। लिबर्टी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, इक्वलिटी, फ्रीडम। जाहिर सी बात है, अगर फ्रेंच रिवोल्यूशन से इंस्पायर हैं तो लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी को प्रमोट तो करेंगे। और जितने पुराने सड़े गले कस्टम ट्रेडिशन थे, वो उसका वो अपोज करते थे। डेरोजियो जो है वो वुमेन राइट्स को सपोर्ट करते थे, उनके एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। माना जाता है कि डेरोजियो क्या थे, पहले नेशनलिस्ट पोएट थे मॉडर्न इंडिया के, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन इनका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। उसका रीज़न ये था कि जिस तरीके से ये सोसाइटी के कंडीशंस में रेडिकल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की बात करते थे, सोसाइटी इस तरह के रेडिकल आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। ये कहते थे कि भाई, इंडिया की सोसाइटी सड़ गल गई है, ख़त्म हो गई है, अब हमें क्या करना है, एकदम इसको पूरा तरह से चेंज करने की ज़रूरत है। रिवाइव करने की बात करने की बजाय ये पूरा तरह से चेंज करने की बात करते थे। ठीक है, तो इस वजह से आप देखोगे कि डेरोजियो की आइडियाज़ तो सही थे, बट सोसाइटी में वो एक्सेप्टेड नहीं हो पाए। और फिर डेरोजियो की जो आइडियाज़ थे, उसी के बेसिस पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उनको पाइनियर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल कहा। क्योंकि उनके आइडियाज़ क्या थे, अच्छे थे, बट वही था कि जिस तरह से रेडिकल वो बातें करते थे, लोग तैयार नहीं थे उसको एक्सेप्ट करने। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। विद्यासागर को भी राजा राम मोहन राय की तरह क्या माना जाता है, हैप्पी ब्लेंड माना जाता है इंडियन और वेस्टर्न थॉट का, यानी कि जो भारत और पश्चिम के जो वैल्यूज़ थे उसका मिक्सचर माना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को, जैसे कि राजा राम मोहन राय को माना जाता था। वो भी हाई मोरल वैल्यूज़ की बात करते थे, डीप ह्यूमनिस्ट थे, मानववाद की बात करते थे, गरीबों के लिए क्या थे, उदार थे। हेलो शाम, गुड मॉर्निंग। तो 1850 में आप देखोगे कि वो संस्कृत कॉलेज के क्या बनते हैं, प्रिंसिपल बनते हैं। और उनका ये कोशिश था कि जो प्रिस्टी क्लास का मोनोपोली है, यानी जो मीडिएटर क्लास है, जो स्क्रिप्चर को इंटरप्रेट करता हो, चाहे वो हिंदुज़म में हो या किसी और रिलीजन में, क्योंकि ये हिंदुज़म से रिलेटेड थे तो ये हिंदुज़म पे फोकस करते थे, कि जो प्रिस्टी क्लास है, मध्यस्थ वर्ग है, जो पुजारी है, जो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है टेक्स्ट को, उसकी जो मोनोपोली है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में हमेशा से यही रही है, इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में रही है, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर होते हैं उसको इंटरप्रेट करने की मोनोपोली किसकी होती है, मीडिएटर की होती है, पंडित जी की होती है, मौलवी साहब की होती है, प्रिस्ट की होती है, पादरी की होती है। जो मैंगो पीपल होते हैं वो अपने रिलीजियस टेक्स्ट को खुद पढ़ते नहीं है, क्लियर, कि क्या लिखा है टेक्स्ट में, उसमें सच क्या है। तो फिर जो मीडिएटर कहता है वो मान लेते हैं। इसी से क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है रिलीजन का, रिलीजियस बिलीफ्स का। तो सारी इविल्स की जड़ यहीं से निकल कर आती है, रूट कॉज यही है बेसिकली। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो प्रिस्टी क्लास की मोनोपोली है स्क्रिप्चर के नॉलेज को लेकर, वो नहीं होना चाहिए, सबको अपने स्क्रिप्चर पढ़ने चाहिए। और उन्होंने संस्कृत कॉलेज को ओपन कर दिया किसके लिए, नॉन ब्राह्मीन के लिए। क्यों? क्योंकि माना पहले यही जाता था कि वेद का नॉलेज किसके पास रहेगा, केवल ब्राह्मीन के पास रहेगा, वही इंटरप्रेट करेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सबको वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए, नॉन ब्राह्मीन भी वेद पढ़ सकते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, एक यूनिवर्सिटी में इसी को लेकर बवाल हुआ था काफ़ी लंबा, कि वहाँ पर एक जो रिलीजियस डिपार्टमेंट था, वहाँ पे एक नॉन ब्राह्मीन का अपॉइंटमेंट हुआ था। नॉन ब्राह्मीन से भी अलग क्या था,
एक दूसरे रिलीजियस बिलीव्स वाले प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हुआ था और उसको लेकर बवाल हो गया था कि, और बाद में उनको हटना भी पड़ा था उस डिपार्टमेंट से। तो आप सोच सकते हो कि आज भी सोसाइटी इतनी ऑर्थोडॉक्स है कि कुछ चीज़ों को एक प्रिविलेज क्लास के लिए, एक क्लास के लिए अभी भी क्या करके रखा गया है, रिजर्व करके रखा गया, दूसरे लोगों के लिए उसको ओपन नहीं किया जा रहा, या लोग उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो उस समय ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत पहले कितना उन्होंने करेज दिखाया होगा कि सोसाइटी के अगेंस्ट जाके, हाँ बिल्कुल सही जिज्ञासा, सही बोला आपने। तो आप देखोगे कि उस समय ईश्वरचंद विद्यासागर ने सोसाइटी का कितना कन्फ्रंटेशन सह के, विरोध सह के, उन्होंने संस्कृत कॉलेज में वेद पढ़ने के लिए नॉन ब्राह्मण को भी अलाउ किया होगा। और वो ऐसा क्यों कर पाए थे, वो प्रिंसिपल थे, लेकिन उनका विरोध तो सहना ही पड़ा होगा उनको, क्योंकि सोसाइटी उस समय बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थी। आज जब हुआ था तो उस समय तो और भी ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स रहा होगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसलिए ईश्वरचंद विद्यासागर का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा माना जाता है। उन्होंने अपने स्कूल में वेस्टर्न थॉट को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था कि कॉलेज भले ही रिलीजियस हो, रिलीजन की पढ़ाई हो, टेक्स्ट की पढ़ाई हो, वैदिक टेक्स्ट की, लेकिन उसमें वेस्टर्न थॉट आने चाहिए। केवल संस्कृत लर्निंग से काम नहीं होगा, मॉडर्न थॉट आने चाहिए, मॉडर्न वैल्यूज आने चाहिए। कि और फिर उन्होंने संस्कृत को पढ़ाने के लिए भी नए तरीके ईजाद किए थे, और विश्वचंद विद्यासागर का दूसरा जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो है विडो रिमैरिज, कि विडो की जो हालत ख़राब थी उस विडो के एजुकेशन को, सॉरी विडो के मैरिज को प्रमोट करने के लिए उन्होंने इसके अगेंस्ट क्या किया था, इसके सपोर्ट में लेजिस्लेशन बनवा दिया था, कानून बनवा दिया था कि विडो की रिमैरिज लीगल है। इसके अलावा आप देखोगे कि ईश्वरचंद विद्यासागर चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट थे, वो पॉलीगैमी यानी बहुविवाह के भी अगेंस्ट थे, और फिर वो वीमेन एजुकेशन का भी क्या करते थे, बहुत ही सपोर्ट करते थे। ईश्वरचंद विद्यासागर बैथुने स्कूल, जो मैंने आपको बताया था कि जो जेईडे बैथुने थी जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वीमेन एजुकेशन में, तो वो क्या थे, सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे बैथुने स्कूल में। और ईश्वरचंद विद्यासागर इंडिया में वीमेन के एजुकेशन में क्या कर रहे थे, एक पायनियर के रूप में इमर्ज करते हैं। बैथुने स्कूल जब मैंने आपको बताया था कलकत्ता में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, और ये विमेन एजुकेशन का क्या था, एक बहुत बड़ा क्रूशल पॉइंट था। बहुत सारी डिफिकल्टीज हुई थी इसको, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो, क्या कहता, ग्रो कर गया था। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में आपको जानना है वो है परमहंस मंडली। इसकी फाउंडेशन 1849 में रखी गई थी महाराष्ट्र में, और ये भी एक भगवान में, मोनोथिज्म में बिलीव करते थे। और जो परमहंस मंडली थी, इसका जो प्राइमरी इंटरेस्ट था वो था कि जो कास्ट के रूल हैं, जाति प्रथाओं के जो नियम कानून हैं, चाहे वो मैरिजेस को लेकर हो, फूड हैबिट्स को लेकर हो, ड्रेसिंग सेंस को लेकर हो, उन सबको दूर करना। तो ये क्या देखते थे, इनकी जो अपनी मीटिंग होती थी, अपनी मीटिंग में ये क्या करते थे, लोअर कास्ट के लोगों से खाना बनवाते थे और सारे मेंबर्स को उसको खिलाया जाता था। आप समझ सकते हो कितना डीप रूटेड इविल्स को दूर करने के लिए इनकी जो प्रैक्टिसेस होती थी वो भी क्या होती थी, एकदम रूट कॉज पे अटैक करती थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कास्ट सिस्टम में क्या होता था, मैरिज और फूड के रिस्ट्रिक्शंस होते थे, कि अपर कास्ट जो है वो लोअर कास्ट के हाथ का खाना नहीं खाएगा। क्लियर क्लियर। तो आप देखोगे कि वो यही काम करते थे कि भाई उनके यहाँ पे जब असेंबलीज होती थी, लोग इकट्ठे होते थे, तो लोअर कास्ट से खाना बनवाया जाता था और लोग खाते थे। यानी कि ये सब जो लोग थे, पर्सनालिटी थे, ये हिपोक्रेट टाइप के लोग नहीं थे, जैसे हमारे आज के लीडर होते हैं कि किसी भी डिप्राइव सेक्शन, दलित सेक्शन के यहाँ खाना खाने जाते हैं, जिसकी फ़ोटो आप लोग मैगजीन में, फ़ोटो में, पेपर में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में। लेकिन सच्चाई क्या होती है कि वो अपना खाना बना हुआ लेके जाते हैं। बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि जो नेता, जो लोग थे हमारे ऑनरेबल जो लीडर्स थे, वो अपना खाना खुद लेके गए थे, अपने यूटेंसिल्स, बर्तन लेके गए हुए हैं। क्लियर, वो उनको प्रोवाइड कराया गया था अलग से बर्तन, एकदम नए चमकते हुए बर्तन प्रोवाइड कराए गए, खाना भी बाहर से लाया गया था, उस डिप्राइव सेक्शन, उस दलित के यहाँ खाना नहीं बना हुआ था। ये हिपोक्रेसी है हमारे आज के लीडर्स के। लेकिन आप देख रहे हो कि परमहंस मंडली या दूसरे जो रिफॉर्मर हैं वो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, वो लोअर कास्ट से खाना बनवा रहे हैं और उसको वो खा रहे हैं।
ताकि ग्राउंड लेवल पर कुछ चेंजेस हो। वो किसी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे थे, एक्चुअली दे वांट टू डू समथिंग फॉर द दलित पीपल, दे वांट टू इरेडिकेट द अनटचेबिलिटी फ्रॉम द सोसाइटी। वो समाज से अस्पृश्यता को ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए वो रूट कॉज पे अटैक कर रहे हैं कि जितने मेंबर्स हमारे होंगे वो सब ऐसे काम करेंगे, लोअर कास्ट से खाना बनवाएंगे और लोग जानते हुए खाना खाएंगे ताकि समाज में एक मैसेज जाए। तो लीड बाय द एग्जांपल, हमारे जो लीडर्स थे वो क्या करते थे, लीड बाय द एग्जांपल करते थे। आज के लीडर्स की तरह नहीं है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ये जो मंडली के लोग थे ये क्या कर रहे हैं, विडो रिमैरिज की बात कर रहे हैं कि महिलाओं का जो विधवा हो जाती है उनका विवाह होना चाहिए, विमेन एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। और परमहंस मंडली की जो ब्रांचेस है वो पूना, सतारा और महाराष्ट्र में दूसरे प्लेसेस पर बनती हुई आपको दिखाई देंगी। इस तरीके से आप ये देखोगे, हेलो गुरिया, आप देखोगे कि एक और ऑर्गेनाइजेशन बन रही है जिसे हम कहते हैं सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज की फाउंडेशन कौन रख रहा है, ज्योतिबा फुले रख रहे हैं। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ज्योतिबा फुले भी क्या थे, एक दलित या डिप्राइव सेक्शन से बिलोंग करते थे सोसाइटी के, माली फैमिली से बिलोंग करते थे, माली कम्युनिटी से बेसिकली, नॉट फैमिली। और इन्होंने एक पावरफुल मूवमेंट स्टार्ट किया था अगेंस्ट द अपर कास्ट डोमिनेशन, खास करके ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। अगर हम अपर कास्ट डोमिनेशन की बात करते हैं तो बेसिकली उसको ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी ही कहेंगे, क्योंकि इंडिया का जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रा में डिवाइड था। तो यही क्या थे, ब्राह्मण जो है वो सबसे टॉप पोजीशन हासिल थी, यही रिलीजन और रिलीजियस टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन भी करते थे, सारे रिचुअल्स यही इन्हीं के द्वारा डिसाइड होता था। तो इसी ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को चैलेंज किया गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। फुले ने इसके लिए फाउंडेशन रखी थी सत्य शोधक समाज। और सत्य शोधक समाज का मतलब क्या होता था, ट्रूथ सीकर सोसाइटी, जो कि सत्य की खोज करना चाहते थे। और सच क्या है, सच यही था कि भाई सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं। सच तो यही था ना भाई कि सारे लोग इक्वल हैं, सबको गॉड ने क्रिएट किया है तो इक्वलिटी होनी चाहिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन, हाँ लाइक द करवे, बिल्कुल सही, करवे जैसा साहब कहते थे वैसे ही। तो इन्होंने सत्य शोधक समाज की फाउंडेशन रखी थी 1873 में। और इनके जो लीडर आते थे वो क्या थे, डिप्राइव सेक्शन से ही थे, दलित समाज से ही थे, बैकवर्ड क्लास से थे, माली, तेली, कुनबी, ये सारे जो डिप्राइव सेक्शन के लोग थे वही क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। और इस मूवमेंट को अगर आप देखोगे तो जो इसका मेन एम था वो यह था, सोशल सर्विस, कि समाज में सेवा किया जाए, जो लोग डिप्राइव हैं, दलित हैं, उनके वेलफेयर के काम किए जाए। फिर एजुकेशन को क्या करना, स्प्रेड करना, खास करके विमेन और लोअर कास्ट पीपल में। क्योंकि देखो आप देखो कि जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज रहे हैं, रिफॉर्मर रहे हैं, वो सब के सब शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज देने की बजाय वो एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। जैसे अंबेडकर ने रिजर्वेशन की बात जरूर की थी डिप्रेस क्लास के लिए, लेकिन उसी टाइम पीरियड में वो एजुकेशन पर भी फोकस करने की बात करते थे, क्योंकि उनको पता था कि हम रिजर्वेशन देके सोसाइटी को थोड़ा सा तो आगे ले जाएंगे लेकिन लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं करेगा। तो वो एजुकेशन पे जोर देने की बात करते थे कि सबको क्या करना है, एडुकेट करना है। तो ये क्या था, फोरसाइटनेस थी। अगर आप इसको आज से भी कंपेयर करोगे तो हमारे लीडर्स में वो फॉरसाइटनेस देखने को नहीं मिलती है। हमारे जो लीडर्स हैं वो शॉर्ट टर्म मेजर्स अपीजमेंट की पॉलिसी को फॉलो करते हैं कि इसको रिजर्वेशन दे दो, इसको रिजर्वेशन दे दो, वोट बैंक बन जाएगा, क्लियर। लेकिन जो पुराने लीडर थे, फ्रीडम फाइटर्स थे या जो रिफॉर्मर थे, उनका सबका जोर किस पे था, एजुकेशन पे था, कि आप जो लोअर कास्ट के पीपल हैं, वीमेन हैं, उनको एडुकेट करिए ताकि वो आगे चलकर अपना एम्पावरमेंट खुद कर सके, किसी के सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से फुले का जो ऑर्गेनाइजेशन था सार्वजनिक सत्य धर्मा और गुलामगिरी, उन्होंने एक बुक लिखी थी, आगे चल के कॉमन मासेस के लिए क्या हो रहा है वो इंस्पिरेशन का सोर्स बन रहा है। फूले क्या कर रहे थे, जो ब्राह्मण सिंबल था रामा उसका विरोध भी कर रहे थे। तो बेसिकली उनका पर्पज वही था कि जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है उसको ख़त्म किया जाए। वो चाहते थे पूरी तरीके से कास्ट सिस्टम क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, जैसा कि अंबेडकर चाहते थे, जैसा कि फूले चाह रहे हैं। तो गांधी जी कभी कास्ट सिस्टम की एबोलिश करने की बात नहीं करते थे, वो उसमें जो अनटचेबिलिटी थी उसको दूर करने की बात करते थे। ये डिफरेंस है, आप अच्छे से याद रखना, मैंने पहले भी बताया है
कि गांधी जी और अंबेडकर फुले में अंतर यही है कि गांधी जी कास्ट सिस्टम को एबोलिश करने की बात नहीं करते थे, वो उसमें जो अनटचेबिलिटी थी उसको दूर करने की बात करते थे, जबकि अंबेडकर और फुले का मानना था कि भैया कास्ट रहेगा तो अनटचेबिलिटी भी रहेगी, डिस्क्रिमिनेशन भी रहेगा, तो इस सिस्टम को ही ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो फुले कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने की बात करते हैं, वो कहते हैं जो सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ है वो ख़त्म होना चाहिए, और वो जो हिंदुज़म है, ब्राह्मणिकल हिंदुज़म, सांस्कृतिक जो हिंदुज़म हिंदुज़म है, संस्कृत वाला जो हिंदुज़म है उसको ख़त्म करने की बात करते हैं। और फिर जब वो ये मूवमेंट चलाते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो डिप्रेस क्लास था उसके अंदर एक क्या हो रही है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी आ रही है, उनको लगता है कि हम भी कुछ है, हमारा भी एग्जिस्टेंस है, हमको भी, हमारे भी राइट है, हमको उसके लिए फाइट करनी चाहिए। और फिर ये कमिटी क्या हो रही थी, वो मोबिलाइज हो रही थी ब्राह्मीण के अगेंस्ट, क्योंकि उनका क्या हो रहा था, एक्सप्लाइटेशन हो रहा था, यानी जो एक्सप्लाइटेशन करने वाले ब्राह्मीण थे उसके अगेंस्ट क्या हो रहे थे, अपनी आइडेंटिटी को लेकर ये मोबिलाइज हो रहे थे। और फिर आप देखोगे फुले ने अपनी पत्नी की मदद से स्कूल भी खोले थे, वो विडो रिमैरिज को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप फुले के लेवल पर देखने को मिलेगी। तो उनकी बुक का नाम जो है गुलामगिरी, वो भी आप लोग याद रखना, ठीक है, उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग याद रखना। इस तरह से नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लीडर है वो गोपाल हरि देशमुख है। तो गोपाल हरि देशमुख, इन्होंने हिंदू जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उसके अगेंस्ट बात की, रिलीजियस और सोशल इक्वलिटी की बात की। क्लियर? अब आप सोच सकते हो गोपाल हरि देशमुख जो है वो कितनी रेडिकल बातें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर रिलीजन, अगर सोशल रिफॉर्म के बारे में बात नहीं कर पा रहा है तो क्या कर दो, रिलीजन चेंज कर दो। इस तरह की बातें आप देख सकते हो। ठीक, और उसके बाद जो नेक्स्ट रिफॉर्मर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। इनके द्वारा एक सोसाइटी की फाउंडेशन रखी गई थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि हिंदी में इसका नाम वो है भारतीय सेवक संघ, ऐसे कुछ इसका हिंदी में नाम आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेना, भारतीय सेवक संघ मोस्ट प्रॉबल हिंदी में इसका नाम है, इंग्लिश में आपको सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी मिलेगा, जिसके फाउंडर क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। लिबरल लीडर है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसके रखी थी। सेवक संघ, भारतीय सेवक संघ जो है वो इसका हिंदी में नाम होगा। ठीक, इसका एम था सोसाइटी का कि वो क्या करना है, मिशनरीज बेसिस पर काम करना है, जैसे कि आर्य समाज काम करता था, रामकृष्ण मिशन काम करता था, कि ताकि लोगों को क्या किया जाए, सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाया जाए, प्रमोट किया जाए मॉडर्न वैल्यूज, और आप देखोगे कि गोपाल कृष्ण गोखले के डेथ के बाद श्रीनिवास शास्त्री जो है इस मूवमेंट को लीड करते थे। तो इतनी बात आपको जाननी है। गोखले के बाद एन एम जोशी क्या करते हैं, जो इन्हीं से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, वो सोशल सर्विस लीग की फाउंडेशन रखते हैं बॉम्बे में। तो आपको इस सोशल सर्विस लीग के बारे में केवल इतनी बात जाननी है कि इसके फाउंडर कौन है, एन एम जोशी। सीधे सीधे कभी कभी शॉर्ट नाम पूछ देता है, तो एन एम जोशी साहब क्या है, इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने बॉम्बे में इसकी फाउंडेशन रखी थी। इसका एम भी वही था कि लोगों की कंडीशन को क्या करना है, इम्प्रूव करना है। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस इन्होंने ओपन किए थे, और ये एन एम जोशी साहब ने क्या किया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की फाउंडेशन भी रखी थी। तो एन एम जोशी साहब काफ़ी बड़े पर्सनालिटी थे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, रिफॉर्मर भी थे। तो दो ऑर्गेनाइजेशन इनके द्वारा रखी गई थी, एक सोशल सर्विस लीग बॉम्बे में और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1920 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। तो ये दो चीज़ें आप याद रखोगे। इसके बाद आता है रामकृष्ण मिशन, जो विवेकानंद ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो आपको पता होगा कि रामकृष्ण जो परमहंस थे वो विवेकानंद के क्या थे, गुरु थे, एक पृष्ठ थे, पादरी थे, कहाँ पर, मतलब पुजारी थे, नॉट पादरी, पुजारी थे, कहाँ पर, काली टेम्पल में, दक्षिणेश्वर में जो टेम्पल था कलकत्ता में, वहाँ पे। इसलिए कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विवेकानंद बिलीव्स इन आइडल वर्शिप और नॉट, तो आप लोग कन्फ्यूज़ कर जाते हो। तो ये ध्यान रखना कि विवेकानंद के गुरु कौन है, रामकृष्ण परमहंस हैं, जो कि काली टेम्पल में क्या थे, खुद एक पुजारी थे। तो जब विवेकानंद के गुरु टेम्पल में पुजारी हैं, तो टेम्पल में पुजारी हैं, तो वहाँ पर आइडल वर्शिप होगी, तो विवेकानंद आइडल वर्शिप का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि विवेकानंद की पूरी जो आइडियाज़ थे वो कहाँ से आए थे, वो रामकृष्ण परमहंस की ही देन थी।
रामकृष्ण परमहंस के आइडियाज़ को ही उन्होंने डेवलप किया था और पूरा स्प्रेड किया था। उनका पूरा मूवमेंट ही, पूरी लाइफ ही रामकृष्ण परमहंस के आइडियाज़ को प्रोपगेट करने में लग गई थी। तो जब रामकृष्ण परमहंस खुद ही पुजारी हैं काली टेम्पल में, तो वो विरोध कैसे कर सकते हैं? तो जो रामकृष्ण परमहंस थे उनके दो ऑब्जेक्टिव थे, एक कि एक ऐसा प्रिस्टी क्लास, एक ऐसा डेवलप किया जाए क्लास जो अपनी पूरी लाइफ कैसा कर सके, डेडिकेट कर सके, डिवोट कर सके, किसके लिए? स्पिरिचुअलिटी के लिए। वो लोगों को समझा सके कि वेद क्या है, वेद में क्या बातें कही गई हैं। इसलिए तो वेद और वेद की फिलॉसफी को स्प्रेड करने में अपनी पूरी लाइफ लगाने वाले एक ऐसे को वो डेवी तरह का कास्ट, कलर, इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये बेसिक ऑब्जेक्टिव थे किसके? दो, रामकृष्ण परमहंस के। और रामकृष्ण परमहंस के इन्हीं दोनों ऑब्जेक्टिव को पूरा किसके द्वारा किया गया था? विवेकानंद के द्वारा। तो आपने देखा होगा कि विवेकानंद क्या करते हैं, अगर वो न्यूयॉर्क में जा रहे हैं रिलीजियस असेंबली में, तो वो अपने लिए नहीं जा रहे थे, वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के जो आइडियाज़ थे कि वेद की बातों को पूरे दुनिया में क्या करना है, स्प्रेड करना है, वो उसी के लिए गए थे वहाँ पर। उनका कोई अपना एम्बिशन नहीं था कि मुझे पूरा फेमस होना है दुनिया में। विवेकानंद अपने गुरु के जो विचार थे, आइडियाज़ थे, उसको ग्राउंड लेवल पर इस्टेब्लिश करने के लिए वो जा रहे हैं। फिर न्यू वेदांता में उन्होंने बात भी की, किस तरह से उन्होंने क्या कहा कि इंडिविजुअल की सर्विस, पुअर की सर्विस ही क्या है, गॉड की सर्विस है। तो अगर ये वाली अगर हम बात देखें, तो रामकृष्ण परमहंस का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को क्या करना है, फिलान्थ्रोपिक वर्क सिखाना है, समझाना है, करना भी है, तो वो दोनों क्या है, उससे रिलेटेड है। तो विवेकानंद की पूरी लाइफ अपने गुरु के विचारों पर, आइडियाज पर ही डेवलप हुआ। परमहंस ने खुद ही रामकृष्ण मठ की फाउंडेशन तो रख दी थी, जहाँ पे वो ऐसे मॉन्क, ऐसे लोग, ऐसे कैरेक्टर डेवलप कर रहे थे, ऐसे शिष्य पैदा कर रहे थे जो आगे चलकर वेद और वेद की फिलॉसफी को फैलाएं। उसी में से कौन थे? एक विवेकानंद भी थे। जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था, तो वहाँ पर कहीं पर भी आपको रामकृष्ण मिशन या फिर वेद के बारे में नहीं बताया जाएगा, हिंदुज्म के बारे में नहीं बताया जाएगा, केवल आपको सर्विस दी जाएगी। तो ये इम्पोज नहीं करते थे किसी चीज़ को, ये सर्विस के थ्रू आपके अंदर का जो ह्यूमनिज्म था, जो वैल्यूज़ थे, वो आपके अंदर जगाने की कोशिश की जाती है थ्रू द सर्विस। तो उनका मानना था कि अगर हमने गरीबों की सर्विस की, तो ये भगवान की सर्विस के बराबर है। तो कहीं पर भी आप रामकृष्ण मिशन में चले जाओगे, उसके हॉस्पिटल में, स्कूल में, तो बहुत ही मिनिमम फीस में आपका इलाज होता है। खैर, अलग बात है कि अब उतने रिसोर्सेज इनके पास नहीं है, क्योंकि तो इस आइडियाज़ को आज समझने वाले लोग ही कम हैं, तो फंडिंग भी कम है, और बिना फंडिंग के तो आप समझ सकते हो कि कोई भी मूवमेंट लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता है। ठीक है, लोग मंदिर में जाके चंदा दे देंगे, ढेर सारा गोल्ड दे देंगे, लेकिन इस तरह के डेडिकेटेड वर्क करने वाले लोगों के पास फंड की हमेशा क्राइसिस बनी रहती है। ठीक, तो स्वामी विवेकानंद क्या कर रहे हैं, रामकृष्ण मिशन की फाउंडेशन रख रहे हैं 1897 में, और इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था कहाँ पर? बेलूर में, कलकत्ता के पास में। और उनका मानना यही था, परमहंस का भी, कि आप क्या कर सकते हैं, आपको मोक्ष मिल सकता है किससे? भक्ति से, मेडिटेशन से, रिनन्सिएशन से, किसी भी तरीके से आपको मोक्ष मिल सकता है। उन्होंने फंडामेंटल वननेस की बात की थी, बोला कि सब कुछ क्या है, एक ही है, हर रिलीजन क्या है, लास्ट में एक ही गॉड तक जाता है, अल्टीमेट ट्रूथ तक जाता है। उन्होंने कहा कि कृष्ण, हरि, राम, क्राइस्ट, अल्लाह, ये सब केवल क्या है, भगवान के अलग अलग नाम है। भगवान तक जाने के अलग अलग पाथ हैं, सब कहाँ मिलेगा, सालवेशन सबको मिलेगा, चाहे जिस पाथ से जाओ। तो जब रामकृष्ण परमहंस का ये मानना है, तो स्वामी विवेकानंद का भी यही मानना होगा। इसीलिए उन्होंने आइडल वर्शिप का विरोध नहीं किया, बोला भैया जिसको आइडल वर्शिप करनी है वो आइडल वर्शिप से सॉल्वेशन मिल जाएगा, जिसको निर्गुण भक्ति करनी है वो निर्गुण भक्ति कर ले, जिसको सगुन करना है वो सगुन कर ले, तो अलग अलग पाथस हैं, आप सबको फॉलो कर सकते हैं। परमहंस ने स्पिरिचुअलिटी और कंपैशन को क्या कर दिया था, मिला दिया था, कि आप
वेद की फिलॉसफी की बात तो करिए लेकिन ह्यूमन सर्विस की भी बात करिए, तो कंपैशन को मिला दिया जाए। जैसा मैंने बताया कि वो यही कहा करते थे, सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। यही आगे चलकर विवेकानंद इसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं कि मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है। तो 1 किलो लड्डू भगवान जी को चढ़ाने के बजाय उस पैसे को क्या करिए, जो मंदिर के बाहर पुअर लोग बैठे हुए हैं, हंगरी लोग बैठे हुए हैं, उनको खिला दो। भगवान जी लड्डू नहीं खाते हैं, ज़्यादा खाएंगे डायबिटीज हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम लोग नरेंद्र नाथ दत्त के बारे में, यानी कि विवेकानंद के बारे में। तो नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद जिनको आगे चल के कहा गया, वो रामकृष्ण मिशन के मैसेज को क्या कर रहे हैं, स्प्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया की सोसाइटी में और इंडिया के बाहर भी। और इन्हीं की शिक्षाओं को न्यू हिंदुज़म कहा जाता है, न्यू वेदांती फिलॉसफी भी कही जाती है। तो इनकी जो फिलॉसफी थी उसमें भी आपको रामकृष्ण परमहंस के विचार, उपनिषदों के, गीता के विचार इसमें शामिल होते थे। साथ साथ ये बुद्धा, जीसस, इनके विचारों को भी अपने प्रीचिंग में शामिल करते थे और पूरे दुनिया को ये ह्यूमन वैल्यू का पार्ट पढ़ाते थे कि मानवीय मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और वेद को वो क्या कहते थे कि भाई रेशनल थिंकिंग के थ्रू इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है और उसी आइडियाज़ को प्रमोट करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई अगर नॉलेज के बिना जो आपके एक्शन है वो यूजलेस हैं, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप कम कौन कौन सा काम किस बेसिस पर कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ठीक है, फिर ये भी कह रहे थे कि अगर कोई आदमी भूखा मर रहा है, स्टार्विंग से मर रहा है, और अगर आप उसको रिलीजन की टीचिंग देने जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, गॉड की इंसल्ट कर रहे हो, आप ह्यूमैनिटी की इंसल्ट कर रहे हो। तो समझ सकते हो कि किस तरीके से वो सोसाइटी में गरीब जो वर्ग था, सेक्शन था, जो डिप्राइव सेक्शन था, उसके अपलिफ्टमेंट की बात करते थे, रेदर देन कि आप सारा टाइम और रिसोर्स कहाँ लगा, गॉड का टेम्पल बनवाने में लगवा दीजिए, गॉड के टेम्पल पर ढेर सारा गोल्ड लगवाने में लगा दीजिए, इस तरह की चीज़ों के वो अंगेंस्ट थे। बोले आपके पास दुनिया भर का रिसोर्स हो तब आप करिए, लेकिन ज़रूरत अभी किस चीज़ की है, गरीबी से फाइट करने की, जो ढेर सारी बीमारियां फैल रही हैं उससे फाइट करने की। तो इस तरह की बातें आपको नरेंद्र नाथ दत्त विवेकानंद की टीचिंग में देखने को मिलेगी। वो कहते थे लिबर्टी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सबको फ्री थिंकिंग होनी चाहिए। बहुत बड़े ह्यूमनिस्ट थे, आपको पता ही होगा कि बहुत बड़े क्या थे, मानवतावादी थी। उनकी बातों से आपको लग रहा है कि भाई कोई गरीब है तो उसको खाना दो भैया, उसको रिलीजन मत पढ़ाओ, पेट भरा रहेगा तो वो रिलीजन भगवान के बारे में सोच लेगा। तो पहले भगवान ने जिस इंसान को बनाया है उसको खाने को दे दो, भगवान तो अपने आप खाने का जुगाड़ कर लेगा, उसकी चिंता नहीं करो। तो बहुत बड़े क्या थे, ह्यूमनिस्ट थे, उनकी पूरी फिलॉसफी ही ह्यूमनिज्म पे चल रही है। तो जिनका मिशन था वो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म पे बेस्ड था। डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस जो मैंने आपको बताया कि वो इसी बात पे कहते थे कि हर तरह की सर्विस कहाँ से स्टार्ट होती है, सर्विस से ही रिलीजन स्टार्ट होता है, सर्विस नहीं रहेगी तो रिलीजन की स्टार्टिंग। और इसी कंटेक्स में वो पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं शिकागो में 1893 में, और वहीं पर जाके क्या होता है, विवेकानंद को पूरे वर्ल्ड लेवल पर जाना जाता है। जब उन्होंने वहाँ पर क्या कहा था, अपना जो इम्प्रेसिव लेक्चर दिया था, अपनी बातें जो बताई थी, तब से क्या हो गए थे, वो फेमस हो गए थे। कि अब आते हैं दूसरे बड़े पर्सनालिटी के बारे में, जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, और उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, आर्य समाज। आर्य समाज जो था एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, और माना जाता है कि ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो इंडिया में हो उसके रिएक्शन के कंटेक्स्ट में डेवलप हुआ था। जो दयानंद सरस्वती थे वो गुजरात में पैदा हुए थे एक ब्राह्मण फैमिली में, और बहुत कम उम्र में 15 साल की उम्र में ही खोज करने में निकल गए थे। तो इंडिया में आप देखोगे कि बहुत सारे जो लोग हैं वो क्या होता है, छोटी उम्र में ही सत्य की खोज करने निकल जाते हैं, यंग एज में ही निकल जाते हैं। क्लियर, तो हम देखते हैं कि पूछा जाता है कभी कभी आप क्या कर जाते हो, कन्फ्यूज़ कर जाते हो। क्लियर, इस्टेब्लिश इसने क्या किया था इन्होंने बॉम्बे में, लेकिन आगे चलकर इसका जो इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया वो कहाँ पर बनाया, लाहौर। दयानंद सरस्वती ने अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश, ट्रू एक्सपोजिशन नाम का एक मैगजीन इन्होंने निकाली थी, बुक निकाली थी, सत्यार्थ प्रकाश।
ये चीज़ें भी आप याद रखोगे। दयानंद सरस्वती का मानना ये था, उनका जो विजन था कि इंडिया को कैसे करना है, एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी में कन्वर्ट करना है। क्योंकि इंडिया में जो कास्ट था, कास्ट क्लास और कास्ट ये क्या थे, एक डिवाइडिंग फोर्स थे। तो उनका मानना था कि इंडिया को क्या करना है, यूनाइट करना है। वो इंडिया के कल्चरल यूनिटी की बात करते थे, क्या करते थे, सांस्कृतिक एकता की बात करते थे। अब अगर सांस्कृतिक एकता स्थापित करनी है तो कास्ट और क्लास वाली सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया में कास्ट और क्लास क्या था, बहुत डीप रूटेड था, तो लोग यूनाइट ही नहीं हो पाते थे। वो बोलता था भाई हमारी कास्ट की बात सुनी जाएगी, जैसे आज इंडिया में होता है कि भाई हम अपने रिलीजन को वोट देंगे, वो कहता है हम अपने कास्ट को वोट देंगे, तो हम डिवाइडेड हैं। जिसका फ़ायदा कौन उठाता है, हमारे ऑनरेबल पॉलिटिशियन हमारा फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, क्लासलेस होनी चाहिए, कास्टलेस होनी चाहिए, और इंडिया को यूनाइट करने की ज़रूरत है। फिर उनका ये भी कहना था कि जब हम कल्चरल हमारे अंदर यूनिटी आ जाएगी तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आ जाएगा, और फिर हमको बाहर की जो विदेशी ताकत है, ब्रिटिशर्स है, उनके राज से क्या होना है, आज़ाद भी होना है। ठीक है, किनके गुरु की बात कर रही हो गुरिया आप? ये सबके गुरु होते हैं भाई, ऐसा मिलेगा जिसके गुरु ना हो। भाई इंडिया में जो फिलोसफिकल थाट डेवलप होता है वो किसी न किसी गुरु के थ्रू ही होता है। क्लियर? या आदमी सेल्फ मेडिटेशन करता है, क्लियर, मेडिटेशन भी करता है, कोई किसी के पास गुरु थे, किसी के पास क्या हो गया, मेडिटेशन से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। जैसे आप देखोगे कि जो महात्मा बुद्ध थे, महावीर थे, वो क्या थे, उन्होंने शुरुआत में गुरु को ढूंढा, लेकिन जब गुरु नहीं मिला कोई, तो उन्होंने क्या किया, सेल्फ मेडिटेशन किया, और फिर उनको ज्ञान मिल गया। क्लियर? तो कुछ लोगों के गुरु होते हैं, कुछ लोगों के नहीं होते हैं भाई, होता है ना। जैसे एकलव्य क्या था, एकलव्य को भी कोई गुरु नहीं मिला ना भाई, द्रोणाचार्य ने उनको सिखाने से मना कर दिया, उन्होंने गुणाचार्य की फोटो लगाई, आइडल बनाया और सीखने लगे। तो इंडिया में सब क्या थे, बड़े स्टड टाइप के लोग थे, हीरो टाइप के लोग थे, सब रजनीकांत थे। तो किसी को गुरु मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो सेल्फ मेडिटेशन के थ्रू उनको नॉलेज हो जाता था। क्लियर? डन? क्लियर? तो दयानंद सरस्वती भी क्या कहते हैं, वो कहते थे कि भाई इंडिया को यूनाइट करना है और फिर ब्रिटिश रूल को उखाड़ फेंकना है। क्लियर? और वो कहते थे कि जो पुराना रिलीजन है इंडिया का, आर्यों के टाइम का जो रिलीजन है, वही सबका रिलीजन होना चाहिए, क्योंकि उस समय रिलीजन में क्या है, रिचुअल्स भी नहीं है ज़्यादा, कर्मकांड भी नहीं है। क्लियर? क्लियर? दयानंद सरस्वती के नहीं, दयानंद सरस्वती के वैसे कोई गुरु नहीं थे, ठीक है, दयानंद सरस्वती के वैसे कोई ऑफिशियल गुरु नहीं थे, बट वो बहुत सारे लोगों से खुद भी इंस्पायर थे गुरिया। क्लियर? ठीक है, दयानंद सरस्वती क्या थे, बहुत सारे दूसरे और लोगों से क्या थे, इंस्पायर थे। क्लियर? अरे रणवीर दे देंगे, नंबर दे देंगे भाई, ठीक है, चिंता नहीं करो, मुझे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, 7839365433, यू कैन व्हाट्सअप मी। क्लियर? ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है, या टेलीग्राम पे जो नंबर है, सीधे टेलीग्राम पे मुझे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, कॉल नहीं करना इस पर, क्योंकि इस पर कॉल लगेगी नहीं। क्लियर? 7839365433, यू कैन मैसेज मी, बट इस पर कॉल लगेगी नहीं, ठीक है, तो डोंट ट्राई टू कॉल, क्योंकि कॉल लगेगी नहीं इस पर, ठीक है, सबके लिए, तो यू कैन मैसेज मी, ठीक है, ओके रणवीर, ठीक है, तो मैसेज कर सकते हो, बाकी जो टेलीग्राम का लिंक है उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। क्लियर? कॉल करोगे तो ये तो नंबर लगेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये यूजलेस है, इस पर कॉल लगेगी नहीं, ठीक है, ये केवल व्हाट्सअप पर्पज़ के लिए, तो यू कैन मैसेज मी। क्लियर? अगर इसके बाद भी तुम्हारा रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं नंबर दे दूंगा, यू कैन कॉल मी, ठीक है, लेकिन एक बार टेक्स्ट करके देख लो, अगर हो सकता है उसी से आपका काम हो जाए, ठीक है, क्योंकि क्लासेस में रहता हूँ तो फ़ोन पिक करना पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाता है। कर दोगे, जैसे ही मैं मैसेज देखूंगा आपको जवाब दे दूंगा। क्लियर? जवाब दूंगा, ये बात पक्की है कि जवाब आपको दूंगा, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि क्लासेस में कभी कभी टाइम नहीं, लेकिन जवाब जरूर दूंगा आपकी जो क्वेरी रहेगी। ठीक है, चलो, तो दयानंद सरस्वती वो जो आर्य रिलीजन था, यानी कि जो वैदिक रिलीजन था, उसको इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो वेद हैं वो इंडिया के रॉक पिलर हैं। क्लियर? वो इनफेलिबल हैं, वेद में जो बातें लिखी गई हैं सब कुछ सही लिखी गई हैं, और वहीं क्या है, ओरिजिनल सीड है हिंदुज्म का। क्लियर? ठीक है, क्या है वही, क्या है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई, पीडीएफ यू कैन डाउनलोड। क्लियर? ठीक है, यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ। अच्छा, ये यूट्यूब पे कैसे डाउनलोड होगा? ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है, इसका पीडीएफ कैसे आपको मिलता है हम बात कर लेते हैं। ठीक है राज, कोशिश करते हैं कि पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। मैं बोलूँगा टीम को कि वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे,
फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड। ठीक है, तो एक बार टीम को मैं बोलूँगा, वहाँ से आपको कोई ना कोई लिंक प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि जो वेद हैं वो क्या इनफेलिबल हैं, वेद में जो कुछ लिखा गया एकदम सही लिखा गया। और यही देखोगे तो आर्य समाज ब्रह्म समाज के क्या अंगेंस्ट चला जाता है। ब्रह्म समाज बोलता था कि नहीं, वेद में ठीक है अच्छी बातें लिखी गई होंगी, लेकिन हम उसको रेशनल थिंकिंग से क्या करेंगे, चेक करेंगे तब एक्सेप्ट करेंगे। ये बोलते थे ना, वेद में जो लिखा गया सब कुछ सही है और यही क्या है हिंदुज़म का सीड है। तो गो बैक टू वेदाज, यानी क्या करना है सोसाइटी को, क्या करना है फोटोकॉपी बना देनी है, कैसी वो वैदिक सोसाइटी की। रिलीजन को कैसे ले जाना है, वैदिक रिलीजन में ले जाना है, यानी पीछे की तरफ जाओ, जैसा कि रिलीजन कहा गया वैसा रिलीजन इस्टेब्लिश कर दो, चाहे अच्छा बुरा हो ये सोचना ही नहीं है, हम मान के चलते हैं सब कुछ अच्छा ही था, क्या करना है कॉपी कर लेना है। डन। और दयानंद सरस्वती, जैसे मैंने बताया कि उनको वेद की एजुकेशन थी, उनका एक उनके टीचर थे विरजानंद, उनसे के लिए तो विरजानंद उनके गुरु थे, लेकिन बहुत हाईली जो है पूरी तरीके से ये इन्हीं इन्हीं से इन्फ्लुएंस नहीं थे, वेदों का नॉलेज इनको मिला था किससे, स्वामी। तो जो अभी गुड़िया पूछ रही थी, आप कह सकते हो कि विरजानंद उनके गुरु थे खास करके वेद के एजुकेशन के लिए, लेकिन आगे चल के जो उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ डेवलप किए वो उन्होंने अपनी सोच से क्या किया था, डेवलप किया था, बाकी जो उन्होंने स्टडी की दुनिया को समझा देखा उससे किया, लेकिन जो फाउंडेशन रखने वाले जो उसके गुरु वो यही, वो यही कहते थे कि भाई आप क्या करिए इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन करिए, और हर इंसान को राइट है गॉड तक जाने का। हिंदू ऑर्थोडॉक्स के भी वो अंगेंस्ट थे, कास्ट के रिजिडिटी थे, क्योंकि आप देखोगे कि जब वैदिक एज की वो बात कर रहे हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती अर्ली वैदिक एज की बात करते थे, और अर्ली वैदिक एज में आप देखोगे सोसाइटी में क्या था, कास्ट सिस्टम नहीं था, अनटचेबिलिटी नहीं थी, वैदिक एज में आइडल वर्शिप भी नहीं थी, आपको पता होगा। क्लियर। तो वो इसीलिए कहते हैं कि जो अर्ली एज की जो सोसाइटी थी, रिलीजन था, उसको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। वहाँ पर किसी तरह का चार्म्स नहीं होता था, एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते थे। तो वो इसीलिए जो सोसाइटी में रिचुअल्स थे, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, उसकी वो अंगेंस्ट थी। वो जो चातुर्वर्ण व्यवस्था थी वेद में, उसके वो क्या करते थे, सपोर्ट करते थे, जैसा कि गांधी कहते थे कि जो वर्ना सिस्टम है इट्स अ गुड सिस्टम, क्योंकि वर्ना सिस्टम क्या है, वर्क डिवीजन की बात करता है, लेबर डिवीजन की बात करता है। क्लियर। जो वर्ना सिस्टम है वो लेबर डिवीजन की बात करता है, यही बात दयानंद सरस्वती भी कह रहे हैं, यही बात गांधी जी भी कहते थे कि वो सिस्टम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि वो ऑक्यूपेशन बेस्ड है, इससे सोसाइटी में क्या होता है, फाइट नहीं होती है, झगड़े नहीं होते, सोसाइटी धीरे धीरे क्या होती है, ग्रो करती है। नेक्स्ट है सेवा सदन।